हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिप्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अमेज़न कुर्ता सेट हॉल वीडियो। एंड ये काफी अफोर्डेबल रेंज में है। इसमें आपको मैं कुर्ता सेट भी दिखाने वाली हूँ, कुर्ती भी दिखाने वाली हूँ, प्लस इसमें आपको मैं फुटवेयर भी दिखाने वाली हूँ, प्लस इसमें आपको मैं हैंडबैग भी दिखाने वाली हूँ। तो ये सारा कलेक्शन आपको आज की वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। आई होप कि आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगा, तो होता है तो प्लीज लाइक जरूर करके जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा कुर्ता सेट। एंड ये डेली वेयर के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है। आप इसको ऑफिस वगैरह में आराम से पहन के जा सकते हैं। फैब्रिक क्वालिटी काफी कंफर्टेबल है। एंड ये आपको थ्री पीस सेट मिल जाता है, कुर्ता पैंट विद दुपट्टा। इसमें आपको मिलता है ब्लैक एंड रेड कलर टोन, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन टोन लगता है। एंड ये हर स्किन टोन पे बहुत ही अच्छे से जाता है, तो डेफिनेटली आप इस कलर को ट्राई कर सकते हो। ब्लैक में थोड़े से पतले भी लगते हैं, तो प्लस पॉइंट ये भी है। अगर आप थोड़े से भी हेल्दी हो तो डेफिनेटली जा सकते हैं। यहाँ पे इसमें आपको मिल जाता है वी नेक। एंड इसका जो फैब्रिक क्वालिटी है कुर्ते की, वो है रेयन। 3/4 स्लीव्स मिल जाती है, टाई एंड डाई पैटर्न में है, स्ट्रेट फिट कुर्ता है, काफ लेंथ है इस कुर्ते की। एंड देन इसके साथ आपको मिल जाती है पैंट। पैंट की जो फैब्रिक क्वालिटी है वो है रेयन, इलास्टिक वेस्टबैंड है। दोनों साइड्स में आपको पॉकेट मिल जाती है, एक साइड में आपको पॉकेट मिल जाती है। एंड सॉलिड कलर में दी गई है, कंट्रास्टिंग में रेड कलर में। एंड देन इसके साथ आपको ये मिल जाता है हेमलाइन। तो नैरो फिट में जो हेमलाइन होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है पहनने के बाद, काफ़ी सुंदर से लगते हैं। एंड इसके साथ आपको मिलता है दुपट्टा। दुपट्टे की लेंथ एंड विड्थ प्रॉपर दी गई है, ब्लैक एंड रेड कलर में कॉम्बिनेशन टोन दिया गया है। इसमें कंट्रास्टिंग में रेड कलर ज़्यादा दे दिया गया है, जैसे कि कुर्ते में आप देख रहे हैं थोड़ा सा ब्लैक टोन ज़्यादा है, दुपट्टे में रेड कलर कंट्रास्टिंग में ज़्यादा दिया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। बीच में टाई एंड डाई वाला पैटर्न है। एंड देन यहाँ पे आपको इस तरह का बॉर्डर मिल जाता है। तो ये जो कलर टोन लगी है मेरे को थोड़ी डिफरेंट सी लगी है, लाइक अब तक के मैं जो भी आपको दिखा चुकी हूँ उससे थोड़ा हटके से लगा है मुझे। एंड काफ़ी सुंदर लगता है रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन टोन, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एंड इसका साइज है M, एंड ये है गोश्रिकी का। तो इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। देन नेक्स्ट है ये, एंड ये एक मैंने ड्रेस मटेरियल मंगाया था, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी ये एक ही रिसीव हुआ है मुझे अभी, मैंने और भी मंगाए हैं, तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। बट ये अकेला मैं आपको इसमें क्यों शेयर कर रही हूँ मैं आपको बताऊँगी। तो मैं इसको एक एक करके आपको दिखाती हूँ। तो ये थ्री पीस सेट मिल जाता है। ये इसका कुर्ते का फैब्रिक दिया गया है, ऑफ वाइट टोन में है। इसका जो फैब्रिक है वो है कॉटन, एंड कॉटन लिनन टाइप्स में लुक आता है इसका, उस टाइप का है, और काफ़ी ब्यूटीफुल सा लग रहा है। एंड इसका साइज़ जो होगा वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। यहाँ पे मुझे बस एक इसमें ये जो रिसीव हुआ है इसको मैंने इस वजह से अलग क्यों इंक्लूड कर लिया है इसमें, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो इसका दुपट्टे का जो फैब्रिक कलर था ना वो इस पर आ गया है। अब ये मुझे पता नहीं कि ये हट जाएगा या फिर लाइक और मैस क्रिएट कर देगा। मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ, इसलिए मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ, क्योंकि इसमें अभी टाइम था और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अगर बाई चांस मैंने दुपट्टा धो लिया या फिर अगर ड्राई क्लीन भी कराया और उसका कलर छूटा तो क्या होगा, तो मैं इसलिए मैं इसका कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तो मेरे पास अभी टाइम था, तो मैंने सोचा कि वो ना इसको जल्दी से दिखा के और इसको रिटर्न कर दूँ। अदरवाइज मुझे पीस बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। बट मैं लाइक जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कलर छोड़ सकता है, तो मैं ऐसा रिस्क क्यों लूँ जब मुझे पहले ही दिख रहा है उस पर, तो मैं ऐसा नहीं चाह रही हूँ। देन यहाँ पे जो कलर दिया गया है बहुत ही प्यारा, लाइक ब्लू कलर टोन दिया गया है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड ये लाइक ऑफिस के लिए एकदम सूटेबल पीस है, आप डेफिनेटली इसको वेयर कर सकते हो, डेली वेयर में बहुत सुंदर लगेगा। थोड़ा हटके पैटर्न था इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था बिकॉज ऑफ दिस दुपट्टा। एंड ये दुपट्टा जो है बहुत ही प्यारा दुपट्टा दिया गया है इसके साथ, एंड इसी का ही कलर उस पर चढ़ा है कुर्ते पे। तो अगर आप में से किसी के पास ये वाला ड्रेस मटेरियल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा कि इसका कलर जाता है कि नहीं जाता, बिकॉज अभी मेरे पास टाइम है तो मैं अभी इसको रिटर्न नहीं करूँगी। और अगर कोई कमेंट नहीं आया तो फिर ऑब्वियसली मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा फिगर प्रिंट दे रखा है इस पर, एंड काफ़ी अच्छी लाइक लुक था इसका, बहुत प्यारा था। दुपट्टा भी आपको कॉटन में मिल जाता, दुपट्टे की लेंथ एंड विड्थ प्रॉपर दी गई है, बट समहाउ मुझे यही लग रहा है। बाकी इसके जो बॉटम का फैब्रिक है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। मतलब मैं तो इसको ऑब्वियसली लाइक आप लोगों के ऊपर ही छोड़ रही हूँ कि अगर आपने बता दिया कि आप रिटर्न करना है तो मैं कर दूंगी, और अगर आपने कहा कि रखना है तो मैं इसको रख लूँगी। तो देख सकते हैं ओवरऑल लुक अच्छा है, डेली वेयर के हिसाब से परफेक्ट है, या फिर आप किसी को भी गिफ्टिंग के पर्पज़ से भी ले सकते हो। उस टाइप का लगा था मेरे को, मैंने इसलिए बाई करा था, बट इसमें जो चीज़ हुई है वो मुझे अच्छी नहीं लगी। इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। दैट्स वाई मैंने इसको अकेला ही इसी में ऐड कर लिया, लाइक कुर्ता सेट्स के साथ ही मैंने ड्रेस मटेरियल दिखा दिया, अदरवाइज मैंने अलग से और भी मंगाए हैं। तो ड्रेस मटेरियल का भी आपको जल्दी से ही हॉल वीडियो देखने के लिए मिलेगा, तो स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, वो है ये। एंड ये ब्यूटीफुल सी मैंने पंप हील्स मंगाई हैं,
ब्लैक कलर में, एंड इसमें काफ़ी सारे कलर वेरिएशंस आपको मिल जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। मैंने इसमें साइज़ छोटा मंगा लिया है, छोटा रिसीव नहीं हुआ, छोटा मैंने मंगा लिया है। मैंने मंगाया था 4 नंबर, और 4 नंबर तो बिल्कुल भी मेरे को आ ही नहीं रहा है, 5 नंबर मेरे को करना चाहिए था। मतलब किसी किसी लाइक होता है ना कि किसी में 4 नंबर आता है, किसी में 5 नंबर आता है, तो मेरा वैसे तो एक्चुअल साइज़ 5 है, बट जैसे अगर 37 देखें तो वो 37 4 आता है, तो कई बार 4 भी अच्छे से फिटिंग आ जाती है, जैसे मोची वगैरह की या फिर मेट्रो वगैरह की जो होती हैं स्लीपर्स वगैरह, वो 4 नंबर आता है। तो मैंने सोचा इसका भी 4 ही मंगा लेती हूँ, 4 इतना छोटा है कि मेरे पैर में आ ही नहीं रहा है, तो इसको मेरे को एक्सचेंज कराना पड़ेगा। एंड इसका जो फैब्रिक मिल जाता है, ये जो ऊपर का है, ये सिंथेटिक में है, हील काफ़ी अच्छी दी गई है, तो इसको आप अपनी जीन्स के साथ कैरी कर सकते हैं, सूट्स के साथ कैरी कर सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट लगेगी, ड्रेसेस के साथ कैरी कर सकते हैं, एंड अभी विंटर्स आ रही है तो बड़े आराम से आप इनको वियर कर सकते हो, उस टाइप की है। तो ये पहनने के बाद मेरे को पता नहीं चला कि कंफर्टेबल है कि नहीं है, तो उसके लिए तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगी इसके बारे में। एक्सचेंज करके अगर इसका साइज मेरे को अच्छे से आ गया तो वो मैं आपको किसी और वीडियो में इंक्लूड करके बता दूंगी कि कैसा है। बाकी इसमें कलर वेरिएशंस की काफी ज्यादा वेरायटी है, बहुत ज्यादा, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइस रेंज में है, एंड ये हल्का सा आपको शाइनिंग वाला लुक में मिल जाती है, लाइक ग्लॉसी फिनिश में मिल जाता है, तो उस टाइप का। इसका एक्चुअल प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, वो है ये हैंड बैग, ये टोट बैग है बेसिकली, एंड ये ऑफिस के लिए एकदम सूटेबल है। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है इतने बड़े बड़े बैग लेके कैरी करने का, काफ़ी फैशन ट्रेंड में है, तो आपको भी अगर बाय करना है तो बाय कर सकते हो। ज्योमेट्रिक प्रिंट में है, आप देख सकते हैं व्हाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन टोन पे है। नीचे आपको ये जो मिल जाता है बेस, वो थोड़ा सा लाइक लेदर, फॉक्स लेदर टाइप्स में है, फिर ये मिल जाता है, इसको मैंने ओपन भी नहीं करा। इन सब की अनबॉक्सिंग आपको मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। एंड इस तरह का बीच में आपको ये जिप कंपार्टमेंट मिल जाता है, जिससे कि आपका सारा का सारा सामान सेफ रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, और ये वाटरप्रूफ भी है, बताया तो यही रखा है, बाकी मुझे नहीं पता कि ये वाटरप्रूफ है कि नहीं, क्योंकि लग तो नहीं रहा इसका मटेरियल वाटरप्रूफ वाला, बाकी हो भी सकता है। इसमें आपको यहाँ पे जिप कंपार्टमेंट मिल जाता है, तो इसमें आप अपने कुछ भी कैश वगैरह या फिर अपना कुछ भी रख सकते हैं, कीमती सामान। देन यहाँ पे आपको इसमें बॉटल के लिए भी मिल जाता है, तो अगर आप ऑफिस वगैरह में कैरी कर रहे हो तो इसमें अपनी बॉटल भी लगा सकते हो। देन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं छोटे छोटे से 2 कंपार्टमेंट्स, तो इनमें अलग से सेपरेटर है, लाइक कुछ भी अपना मेकअप का कुछ भी आप कैरी कर सकते हैं। एंड इसमें आराम से आपका लैपटॉप या आपके मतलब बहुत सारा स्टफ आ जाएगा, तो आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो ऑफिस के लिए भी। तो काफ़ी अच्छा सा लगा, बट काफ़ी कॉस्टली लगा मुझे तो मतलब मैं तो इसके लिए रिकमेंड नहीं करना चाहूँगी पर्सनली, अगर मैं बताऊँ आपको। बाकी अगर आप चाहो तो आप बाई कर सकते हो, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, बट एज़ पर प्राइस इसकी क्वालिटी मुझे वर्थ बाइंग नहीं लगी है, क्योंकि 1300-1350 रुपये के आसपास का है, उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है। अगर इसका प्राइस डाउन होता है लाइक अंडर 1000 रुपीज़ या अंडर 800 रुपीज़ में आपको मिलता है, तो डेफिनेटली आप बाई कर सकते हो। तो ये कहीं से भी मुझे इतना महंगा नहीं लग रहा कि 1300 रुपये का वर्थ करता है ये, तो इसके लिए मैं तो रिकमेंड नहीं करना चाहूँगी। बाकी इसका एक्चुअल प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। देन नेक्स्ट पीस है ये, एंड ये बहुत ही प्यारी कुर्ती है, फेस्टिव अप्रोप्रिएट है बिकॉज रेड कलर है, रेड कलर के बहुत सुंदर लगते हैं, आप इसको नवरात्रि में भी पहन सकते हो, ऑब्वियसली किसी भी पूजा में तो पहन के बैठ ही सकते हो, तो बहुत अच्छी लगेगी। एंड कॉटन का इसका फैब्रिक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसमें नॉच नेक मिल जाता है, डिसेंट सा पीस है, ऑफिस में पहन के जा सकते हो, उस टाइप की है। एंड यहाँ पे आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाता है, थोड़ा डिफरेंट से पैटर्न में है, या जो योग पोर्शन दिया गया है ना वो थोड़ा इस तरह से दिया गया है, तो काफ़ी सुंदर सा लग रहा है, डिसेंट सा पीस है, बांधनी पैटर्न में है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। डबल शेडेड स्टोन आ रही है, हल्की सी रेड की, हल्की सी मरून की, उस टाइप का है, एंड काफ़ी ब्यूटीफुल सा पीस लग रहा है। तो 3/4 स्लीव्स मिल जाती है, स्लीव्स पे आपको 3/4 से थोड़ी सी ज़्यादा ही है, यहाँ पे आपको मिल जाता है जिगजैग वाला पैटर्न की गोटा पट्टी, देन यहाँ पे आपको चाक एरिया पे भी गोटा पट्टी मिल जाती है जिगजैग पैटर्न में, देन नीचे की साइड भी आपको मिल जाती है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल सा लुक लग रही है। तो इसको आप स्ट्रेट पैंट्स के साथ पहन सकते हो, या फिर आप इसको एंकल लेंथ लेगिंग के साथ पहन सकते हो, उस टाइप का पीस है, आप इसको डेफिनेटली वियर कर सकते हो, किसी भी पेयरिंग के साथ पहन सकते हो, लाइक हल्का सा ऑरेंज टोन के साथ पहन सकते हो, ऑरेंज दुपट्टा ले लो, ऑरेंज अपनी लेगिंग ले लो, उस टाइप के साथ, एंड अब वाइट के साथ तो ऑब्वियसली जाएगी ही। तो काफ़ी अच्छा सा लगा, काफ लेंथ कुर्ता है, ब्यूटीफुल है, प्राइस वाइज ओके है, 680 के आसपास का है, बट कॉटन का फैब्रिक है, कॉटन का फैब्रिक। थैंक यू।
ये है विवाइस का, इसका साइज है M एंड इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, वो है ये बहुत ही सुंदर सा लग रहा है, कलर इसका बहुत ही प्यारा लग रहा है, लाइक डार्क पर्पल टोन पे है या फिर आप इसको वाइन भी कह सकते हो, वाइन कलर में है, बहुत सुंदर लग रहा है, पार्टी वियर पीस है, आराम से आप इसको किसी भी ओकेजन पे पहन सकते हो, किसी भी बर्थडे पार्टी पे पहन सकते हो, किसी भी लाइक फेस्टिवल पे पहन सकते हो, पूजा में भी पहन सकते हो, उस टाइप का पीस है, दुर्गा पूजा में भी अगर आप कहीं आउटिंग पे जा रहे हो तो भी वियर कर सकते हो। देन इसमें राउंड नेक मिल जाता है, नेक पे बहुत अच्छी थ्रेड के साथ, मल्टीपल थ्रेड के साथ यहाँ पे डिटेलिंग मिल जाती है, जहाँ के इसमें आप थोड़ा सा देख भी सकते हो, वो थोड़ा सा हो जाता है कई बार थ्रेड वगैरह का, यहाँ पे जो है वो थोड़े उसके धागे से निकल रहे हैं, बाकी ओवरऑल अच्छे फिनिशिंग के साथ है। एंड कलर टोन जो दिया गया है ना, पर्पल पे लाइट पर्पल का टोन दिया गया है, हल्का सा रेड टोन दिया गया है, हल्का सा गोल्डन, उस टाइप का, बाकी ये सिंपल डिसेंट सा पीस है, अगर आप चाहो तो इसको ऑफिस की पार्टीज वगैरह में भी वियर कर सकते हो। देन इस तरह का हेमलाइन है, स्ट्रेट फिट कुर्ता है, काफ लेंथ है, एंड ये है इसकी स्लीव्स, प्लेन में दिया गया है पैटर्न, एंड ये है इसकी पैंट, सेमी इलास्टिक वेस्ट बैंड दी गई है, वन साइड में पॉकेट मिल जाती है, इस तरह का हेमलाइन दिया गया है, नीचे हेमलाइन पे गोल्डन की गोटा पट्टी मिल जाती है, तो ये पैंट है और ये आपको मिल जाता है दुपट्टा, दुपट्टा आपको ऑर्गेन्जा टाइप में मिल जाता है, थोड़ा सा लाइक फ्लोरल डिजाइनिंग के साथ, जो कि काफ़ी सुंदर सा लग रहा है, पर्पल के साथ लाइट पर्पल का टोन दिया गया है जो काफ़ी अच्छा है। दुपट्टे की लेंथ थोड़ी छोटी लग रही है, वेड तो ओके टाइप्स में चल जाएगी, बट लेंथ जो है वो थोड़ी छोटी है, बट इस तरह का जो ऑर्गेन्जा के दुपट्टे होते हैं ना, वो कैरी करने में बड़ी मुश्किल होते हैं, तो छोटा है तो मुझे लग रहा है कि ठीक ही होगा, बाकी इसका ट्रायल आप देख ही रहे होंगे तो आपको सारा आइडिया लग जाएगा। ये है विरेदे वोगल का, एंड इसका साइज मैंने एल मंगाया है, बिकॉज ये वाला जो कपड़ा है ना, ये सिल्क ब्लेंड में है और ये हल्का सा श्रिंक होता ही होता है, मेरे को एम इसका वाला जो विरेदे वोगल का है वो थोड़ा सा फिटेड वाला आता है, तो मैंने सोचा कि एक बड़ा साइज मंगाओ, आगे विंटर्स भी आ रही है, तो थोड़ा सा लाइक इनर वगैरह अगर आप डाल रहे हो तो उसके नीचे आराम से चल जाएगा, इसलिए मैंने एल मंगाया है। एंड इसके नीचे आपको लाइनिंग भी मिल जाती है सेम फैब्रिक टोन पे ही, इस तरह से, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इसका एक्चुअल प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी, एंड दैट्स इट, आज के हॉल वीडियो में इतना ही, आई होप आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा ये हॉल वीडियो, अगर होता है तो लाइक जरूर करके जाएगा, मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तो जब भी कभी मैं वीडियो डालूंगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसको सबसे पहले देख पाएंगे। एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और आप इनकी अनबॉक्सिंग वीडियोस देख सकते हैं मेरे लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, तो वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी है। और अमेजन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल भी स्टार्ट होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा, अपनी कार्ट को जल्दी से बिल्ट अप कर लीजिएगा, कुछ भी बाय करना है तो डेफिनेटली आप बाय कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है उस पर, अप टू 80% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तो अपनी कार्ट को जल्दी से रेडी रखिएगा, और मैं आपको मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।